नाज़रीन आगाज करते हैं हमारे इस खूबसूरत से मुशायरे का, जिसमें मौलवी शख्सियात हमारे साथ, मौलवी चौरा हमारे साथ मौजूद है। देखिए, जिस जिस भी प्रोग्राम का आगाज अगर खूबसूरत हो तो अंजाम लाजमी बहुत अच्छा होता है। तो हम हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का आगाज करने के लिए पहले तो मैं एक शेर आप सभी की नजर करना चाहूंगी कि बसत खुलूस मोहब्बत सलाम करते हैं, बसत खुलूस मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फजल का हम दिल से एहतराम करते हैं। वाह वाह, हर अहले फजल वाह का हम दिल से एहतराम करते हैं, वाह वाह, आप सभी का एहतराम करते हैं। और आइए आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का मोइनुद्दीन बारी साहब। इनके मैं बता दूं कि पटना के एक अदबी खानदान से इनका ताल्लुक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और 12 साल से ये मस्कट यानी ओमान में मुलाजिमत कर रहे हैं। मोइनुद्दीन साहब लिटरेरी हेड है इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग के, ओमान के फाउंडर मेंबर है बस्ते अदब ओमान के, और इन्होंने कई मुशायरे पढ़े हैं जिनमें जश्ने अदब जामिया मिलिया का, जामिया हमदर्द का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उर्दू विंग का मुशायरा इन्होंने पढ़ा वसीम बरेलवी साहब के साथ में। ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए इनके ही शेर से इनको दावत देते हैं, दावत सफल देते हैं कि तुम्हारी तुम्हारी उम्र की रब से दुआ दिन रात करते हैं, तुम्हारी उम्र की रब से दुआ दिन रात करते हैं, कहा है मां ने घर आना जरा कुछ बात करते हैं, कहा मंजूर था घर से निकल कर दूर तक, कहा मंजूर था घर से निकल कर दूर जाते हम, कहा मंजूर था घर से निकल कर दूर जाते हम, मगर मजबूर हिजरत के लिए हालात करते हैं। इतना खूबसूरत इन्हीं के नाम से ये आगाज करते हैं मोइनुद्दीन बारी साहब। इकबाल है भाई, सलाम अलैकुम तमाम हाजरीन, बहुत शुक्रिया शाइस्ता महजबी साहिबा। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सरफराज साहब का और हबीब नदीम साहब का, जिन्होंने आज की इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और हमें भी इसमें शामिल किया। ज्यादा वक्त ना लेते हुए सदर मोहतरम की इजाजत, जनाब अल्ताफ शहरयार साहब की इजाजत से अता कीजिए एक मतला चंद अशआर से आज के सफर का आगाज करता हूँ। मतला कुछ ये हुआ है कि अब तो आसान हर एक मुझको सफर लगता है, क्या कहें, अब तो आसान, अब तो आसान हर एक मुझको सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बहुत शुक्रिया, क्या शुरुआत की, बहुत शुक्रिया। अब तो आसान हर एक मुझको सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, गैर तो गैर हैं उनसे शिकायत कैसी, गैर तो गैर हैं उनसे शिकायत कैसी, अब तो अपनों से भी मिलते हुए डर लगता है। अरे वाह, जिंदाबाद वारिस साहब, डर लगता है। जी जी जी, अर्ज कर रहा हूँ कि अब तो आसान हर एक मुझको सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, गैर तो गैर है उनसे शिकायत कैसी, गैर तो गैर है उनसे शिकायत कैसी, अब तो अपने से भी मिलते हुए डर लगता है, अब तो अपने से भी मिलते हुए डर लगता है। और शेर देखिएगा कि शेर हाजिर कर रहा हूं कि सूखे पत्ते तो परिंदों ने भी आना छोड़ा, सूखे पत्ते सूखे पत्ते तो परिंदों ने भी आना छोड़ा, कितना वीरान ये आंगन का शजर लगता है, क्या कितना वीरान लगता है। अरे क्या क्या सच्चा शेर का है, बहुत सच्चा शेर का है, वाह 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 वाह। जी जी जी, हाजिर हाजिर कर रहा हूँ। सूखे पत्ते तो परिंदों ने भी आना छोड़ा,
सूखे पत्ते तो परिंदों ने भी आना छोड़ा, कितना वीरान ये आंगन का शजर लगता है, कितना वीरान ये आंगन का शजर लगता है। और देखिए अल्ताफ भाई एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ, चीख उठते हैं हवेली के दरोबाम उस दम, चीख उठते हैं हवेली के दरोबाम उस दम, लोग जब कहते हैं ये कैसा खंडर लगता है, लोग जब कहते हैं ये कैसा खंडर लगता है, चीख उठते हैं हवेली के दरोबाम उस दम, लोग जब कहते हैं ये कैसा खंडर लगता है। और ये आखिरी शेर इस गजल का के ढूंढता फिरता हूं मैं अपनों में भी अपनापन, ढूंढता फिरता हूं मैं अपनों में भी अपनापन, सबके होते हुए सेहरा सा ये घर लगता है, सबके होते हुए सेहरा सा ये घर लगता है। बहुत शुक्रिया, सेहरा सा ये घर लगता है। वाह वाह, एक गजल और हाजिर कर रहा हूँ। देखिए वारी साहब आपको ऑनलाइन खान साहब दाद दे रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया अरुण भाई। देखिए मतला हाजिर, गजल का मतला हाजिर कर रहा हूँ, एक मुकम्मल गजल हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। देखिए मतला कुछ यूं हुआ है कि तुम्हारे हिजर में पागल सा हो गया था मैं, तुम्हारे हिजर में पागल तो हो गया था मैं, वाह, तमाम रात सितारों को गिन रहा था मैं, तुम्हारे हिजर में पागल सा हो गया था मैं, तमाम रात सितारों को गिन रहा था मैं, अच्छा देखिए अजीब बात है कहते हो बावफा मुझको, अजीब बात है कहते हो बावफा मुझको, जनाब आपकी नजरों में बेवफा था मैं, जनाब आपकी नजरों में बेवफा था मैं, अजीब बात है कहते हो बावफा मुझको, जनाब आपकी नजरों में बेवफा था मैं। और शेर देखिएगा कि मेरे करीब रहे तुम तो मैं भी सालिम था, मेरे करीब रहे तुम तो मैं भी सालिम था, तुम्हारे बाद तो किस्तों में बट गया था मैं, क्या तुम्हारे बाद तो किस्तों में बट गया था मैं, वाह मेरे करीब रहे सालिम का जवाब ये, सालिम मैं भी सालिम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, मेरे करीब रहे तुम, मेरे करीब रहे तुम तो मैं भी सालिम था, तुम्हारे बाद तो किस्तों में बट गया था मैं। अरे और ये शेर देखिए जो बहुत मकबूल हुआ आप लोगों की नजर, आप लोगों की नजर कर रहा हूं कि हवा खिलाफ थी लेकिन बुझा नहीं पाई, हवा खिलाफ थी लेकिन बुझा नहीं पाई, लेकिन बुझा नहीं किसी की राह का जलता हुआ दिया था मैं, किसी की राह का जलता हुआ दिया था मैं। अच्छा है, वाह 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 वाह, शुक्रिया 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 भाई, वाह क्या 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 शेर, क्या क्या शेर सुनने को मिल रहे हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। कुछ अशार दानम से, हवा खिलाफ थी, वाह वाह जी 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 जरूर, हवा खिलाफ थी लेकिन बुझा नहीं पाई, किसी की राह का जलता हुआ दिया था मैं। इस गजल का मतला हाजिर कर रहा, मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। देखिए मक्ता कुछ यूं हुआ है कि फरिश्ते रात हिफाजत को आए थे वारिस, फरिश्ते रात हिफाजत को आए थे वारिस, ज़ईफ माँ की दुआ लेके सो गया था मैं, ज़ईफ माँ की दुआ लेके सो गया था मैं। अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से दो गजल पढ़ दी मैंने, वक्त है तो पढ़े भाई, कोई बात नहीं, बिल्कुल वक्त है, छह ही तो लोग हैं, 5 मिनट पढ़ा है आपने, 2-4 मिनट। तरन्नुम, तरन्नुम से पढ़ने का हुक्म है जनाब हमारे हबीब साहब और हमारे अजीज जहिया साहब का, हालांकि तरन्नुम का जमाना खत्म हो गया, आज भी है भाई, बहुत है, नहीं नहीं बहुत है, मैं
मैं दूसरी तरन्नुम का वाह की बात कर रहा था। चलिए भैया साहब कर रहा हूँ, मैं हाजिर कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, हालांकि तरन्नुम में नहीं पढ़ता हूँ फिर भी। जी एक बिल्कुल नई गजल है, अभी दो तीन दिन पहले हुई है। आता कीजिए, आता कीजिए। मतलब कुछ यूं हुआ है कि एक इल्जाम मेरे सर पे लगा रहने दो, वाह वाह, एक इल्जाम मेरे सर पे लगा रहने दो, इल्जाम लगा रहने दो, याद उल्फत की यूं ही ताजा सदा रहने दो, लुफ्त की यूं ही ताजा सदा रहने दो, अब तो रुख सत की घड़ी आ गई इतना कर लो, अब तो रुख सत की घड़ी आ गई इतना कर लो, कुछ रहे या न रहे लब पे दुआ रहने दो, कुछ रहे या न रहे लब दुआ रहने दो। शेर देखिएगा, अपने कूचे से ना इस तरह निकालो मुझको, अपने कूचे से ना इस तरह निकालो मुझको, मैं हूँ दीवाना यही मुझको पड़ा रहने दो, मुझको पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। शेर देखिएगा, वाह 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 वाह, क्या बे क्या बे, तुम हथेली पे, बहुत शुक्रिया, तुम हथेली पे मेरा नाम ना लिखना हरगिज, तुम हथेली पे मेरा नाम ना लिखना हरगिज, राज चाहत का जमाने से छुपा रहने दो, राज चाहत का जमाने से छुपा रहने दो, इन हवाओं में बिखर जाने दो खुशबुओं को, इन हवाओं में बिखर जाने दो खुशबुओं को, अपने जोड़े में अपने जुड़े में अभी फूल लगा रहने दो, अपने लगा रहने दो। ये मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, क्लासिकल शायरी, क्लासिकल शायरी हो रही है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, गजल की शायरी, गजल की शायरी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि अज़माना तुझे तकलीफ है क्या वारिस से, ऐ ज़माना तुझे तकलीफ है क्या वारिस से, वो बुरा है तो उसे यार बुरा रहने दो, बुरा रहने दो, एक इल्जाम मेरे सर पे
लगा रहने दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, सलामत रहिए वारिस साहब, बहुत 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 शुक्रिया, वाह 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 बहुत वाह वाह वाह।